पड़ती है, हाय रे हो पड़ती है दिलों पे माँ, मगर माँ का प्यार नहीं बदले, और बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। तू बदले, तू बदले, तू बदले शौबान, मगर माँ का प्यार नहीं बदले, और बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। प्यार से वो माता पिता अपने बच्चों को पाल करके बड़ा करते हैं, उन्हें काबिल बनाने के लिए दिन और रात मेहनत करते हैं। इतनी तेज धूप खेतों में सर से उतार देते हैं बच्चों की खुशी के लिए। फिर जब वही बच्चे समझदार हो जाते हैं, अपनी मंजिल हासिल कर लेते हैं, फिर वही बच्चे अपने माता पिता से ऑर्डर चलाते हैं। माता पिता की बात को नहीं मानते तो माता पिता के हृदय को चोट लगती होगी। तू बदले, तू बदले, तू बदले शौबार, मगर माँ का प्यार नहीं बदले, और बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले, और बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। माता पिता जैसा साथी मनुष्य का कोई और हो ही नहीं सकता। ना भाई चाहेगा कि हमारा छोटा भाई हमसे ज्यादा धनवान हो जाए, ना बहन चाहेगी कि हमारी छोटी बहन या बड़ी बहन हमसे ज्यादा धनवान हो जाए, और ना ही कोई मित्र चाहेगा कि हमारा मित्र हमसे ज्यादा धनवान हो जाए। और यदि भला जाने वाले हैं तो केवल माता और पिता। वो चाहते हैं कि जो दिन हमने देखे हैं वो हमारे बच्चों के सामने ना आए, जो मुसीबत का सामना हमने किया है वो हमारे बच्चों के जीवन में ना आए। ये माता पिता की सोच होती है। कुछ भाई भी ऐसे होते हैं जो अपने छोटे भाई बहन को पिता के समान लाड प्यार देते हैं, उन्हें पालते हैं, तभी तो बड़े भाई को पिता का दर्जा दिया जाता है।
लेकिन कुछ लोग जिनकी नियत सावधान नहीं होती, वो लोग छोटे भाइयों के साथ बेईमानी करते हैं। जब बंटवारा होता है, कहते हैं दो भाइयों के बंटवारे में बड़े की छांट बुरी हो गई, और वो सच है महाराज। तब बंदर जैसी बुद्धि चलाते हैं लोग। पर याद रखना, जो लोग दूसरों के हिस्से की चीज को खाते हैं, वो लोग अपनी किस्मत में दरिद्रता लिखते हैं, कभी उन्हें सुख नहीं मिलता है। क्योंकि आप किसी के हाथों से छीन सकते हैं, मगर नसीब से नहीं। जो नसीब में होगा वो चल करके आएगा, और जो नसीब में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। व्यक्ति अपने मन को चाहे जैसे भी समझा ले, पर होगा वही जो उसने लिख दिया है। उसका लिखा हुआ कोई मिटाने वाला आज तक पैदा ही नहीं हुआ है, और वो हमारा भविष्य जन्म होने से पहले ही लिख देता है कि हमारी मृत्यु माँ के गर्भ में होगी, तो माँ के गर्भ में ही होगी। वो सारी कुंडली हमारी पहले ही लिख देता है कि हम इस संसार को, इस मृत्यु लोक को छोड़ करके कब जाएंगे। और फिर भी आप चाहे कुछ भी करो, कहते हैं मनुष्य उसी में राजी रहता है। कुआ का मेंढक कुआ में राजी रहता है, मनुष्य भी उसी में राजी रहता है। कुछ नया देखना और कुछ नया सोचना उसे अच्छा नहीं लगता।